Assalamualaikum viewers, welcome back to our channel. Assalamualaikum viewers. और रमजान मुबारक एक दफा फिर से अब माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा अच्छा शुरू हो गया. तो आज 14वां रोज़ है हमारा यहाँ पे. तो सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा सा कुछ शेयर कर दें. बहुत टाइम हो गया था, बल्कि तकरीबन हाफ रमजान गुजर गया और बहुत सारे लोग कह भी रहे थे कि आप लोगों ने कोई इफ्तारी और अपनी सहेली की कोई रूटीन नहीं शेयर की, कोई कुछ अफतार से रिलेटेड अपनी रूटीन से रिलेटेड कोई चीज़ शेयर नहीं की. तो हम सोचा कि अब सेकंड रिश्ते शुरू हो गए तो थोड़ा सा आपको सेकंड रिश्ते का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे दें और अपनी थोड़ी सी बता दें कि हम लोग अफतारी का क्या करते हैं नॉर्मली. इतना कुछ स्पेशल नहीं होता, बस सिंपल सा होता है जो भी होता है. तकरीबन सारे घरों में एक ही तरह की सहरी और अफतारी होती है, कोई इतना खास नहीं होता. इसलिए हम लोगों ने कहा कि क्या करना है अब शेयर, इतना कोई खास हाँ, चीज थी नहीं. तो वही है नॉर्मल हम एशियन लोगों का जो हम खाते हैं सादा सा खाना. तो कोशिश की है हमने इस दफा की अवॉइड करें, लेकिन पकौड़ों से अवॉइड नहीं हो सका. बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी ही खाया है इंशाल्लाह ताला. आज सेकंड हिजरा तकरीबन कंप्लीट होने वाला है. तो देखिए हमने कितनी अच्छी डेकोरेशन की अपने घर की, थोड़ी सी चेंज की है, जैसे चेंज किया है. जो फर्स्ट हिजरे की थी, जो आप लोगों से फर्स्ट हमने वीडियो शेयर की थी रमजान की, वो अब खत्म करके तो हमने सेकंड हिजरे के लिए इस तरह थोड़ा सा सेटअप किया है. और थर्ड के लिए इंशाल्लाह फिर एक और डिफरेंट देंगे, तो उसके लिए वेट करें और देखते रहे. हाँ जी बिल्कुल. और हमने कपड़े शपड़े भी रेडी किए हैं रमजान की हैसियत से ही सारे. इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो करें, तो क्योंकि हम लोग वही चीज शेयर करते हैं जो हमारी काम से रिलेटेड है. तो हर बंदे का अपना अपना हिसाब होता है, क्योंकि हमें ज्यादा पर्सनल होके व्लॉगिंग वाला सिस्टम हमारा नहीं है. तो ज़ैनब होम व्लॉग तो है, लेकिन ज्यादा ही पर्सनल हो जाता है फिर, इसलिए हम थोड़ा सा शाय भी हैं. और कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला दुआ में याद रखिएगा हमें भी, और हम भी आप लोगों को याद रखेंगे. ज्यादा से ज्यादा नवाफिल पढ़ें, अल्लाह को याद करें. और चले फिर अब हम जोहर की नमाज अदा करके तो खाना बनाते हैं, मतलब अफतारी की तैयारी करते हैं. और वो भी हम लोग आप लोगों के साथ साथ शेयर करेंगे कि हम आज अफतारी में क्या बना रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जो भी अब से लेके तो शाम तक अफतारी तक. हाँ जी, वापस शेयर करते हैं. बिल्कुल. अब जोहर का टाइम हो गया, तो जोहर असर मगरिब और मगरिब तक इंशाल्लाह ताला आप हमारे साथ रहिएगा. तो स्टे ट्यून. याद आया ज़ैनब, इंस्टा पे जरूर हमें फॉलो करें, ऑलवेज ये भूल जाती है ज़ैनब को भी और मुझे भी. तो चले फिर. तो सेकंड अशरा जैसे मगफरत का है, तो उसमें अस्तगफार करनी है और नवाफिल वगैरह अदा करने हैं. तो थोड़ा सा बंदा अपना जिक्र करता है, कुरान पढ़ता है, तस्बीहें करता है, तो एक फैमिली का टाइम भी हो जाता है. तो हमने इस तरह से कुछ बहुत अच्छा सा सेटअप तैयार किया कि इससे मूड भी अच्छा हो जाता है. बिल्कुल. और थकान भी नहीं होती और बंदा हैप्पी फील करता है. कोशिश किया है अपनी स्पेस ज़्यादा करने की यहाँ से हमने, बेशक बच्चे वाला घर है, लेकिन फिर भी काफ़ी कोशिश की कि स्पेस हमें मिल सके, क्योंकि मस्जिदें वगैरह तो अभी बंद ही हैं. तो घर में ही सब लोग तरावी और नवाफिल वगैरह पढ़ते हैं, तो काफ़ी स्पेस हो गई है. तो व्यूअर्स, ये काफ़ी सारी, जैसे ज़ैनब ने आपको बताया कि हमने अपनी तरफ से खुला खुला करने की कोशिश की. वैसे भी इतना मैस तो होता नहीं है हमारे, हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल भी नहीं रखी, अच्छी भी नहीं लगती, ना तो हमें दीवारों पे लगा हुआ कुछ अच्छा लगता है. आपने देखा ही होगा हमारा सादा सा ही है, टू मच स्टफ़ तो अच्छा भी नहीं लगता. लेकिन ये है कि नमाज अदा करने के लिए, जा नमाज़ों के लिए जगह खुली हो गई, ईजी से सारी फैमिली अपनी नमाज तरावी कर सकते हैं. तीनों बाप बेटा और हम दोनों, तीनों माँ बेटी अपना सेटअप कर सकते हैं, इधर बैठ के अपने जायनमाज जिस तरह मर्जी. क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें तो यही कोशिश होती है कि नवाफिल अदा कर लें और अपने अल्लाह को याद कर लें. तो देखिए फिर, एक थोड़ा सा आइडिया मिल गया आप लोगों को भी. हाँ जी, तो देखिए बस, हाँ जोहर की नमाज हमने पढ़ ली है. तो ये देखिए, आज बोनलेस चिकन, टमाटर चिकन जो होता है ना, उसमें हम बोनलेस में बनाएंगे, ये आपको नज़र आ रहा होगा. तो बोनलेस चिकन इसलिए कि इसमें टमाटर चिकन है, बहुत लाइट सा होगा, सहरी में खाने में प्रॉब्लम नहीं होगी. तो इतना ज़्यादा इसमें मसाले नहीं जाते हैं, आपको तो पता ही है. जिन्होंने नहीं देखा तो हमारी वीडियो पे जाके लिंक हम नीचे दे देंगे टमाटर चिकन का, तो देख सकते हैं. उसमें आप हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं और हड्डी के बगैर भी. तो ज़ैनब बेबी को सुलाने गई है, तो मैंने कहा चलो गोश्त सुबह का निकाला हुआ था, मैं इसको ज़रा करके सेट तो रख देती हूँ.
तो देखें गोश्त मैंने इसमें डाला, ज़ैनब ने उसको निकाला था, तो अब हो गया तकरीबन। ये हम धो के साफ़ करके रखा हुआ है, यह वीडियो आपने देखी होगी। तो देखिए चूल्हे बिल्कुल ठंडे पड़े हैं, किचन में कितनी उदासी है क्योंकि सबके रोज़े हैं, सिर्फ बच्चे ही हैं। मेरी बेटी है समाइका और ज़ैनब की बेटी है मेरी पोती जो है मेरी ग्रैंड डॉटर। अक्सर मेरे व्यूअर्स पूछते हैं कि वो किसकी है, तो वो मेरी पोती है। ज़ैनब मेरे भाई की बेटी है, भतीजी भी है और मेरी बहू भी है बड़े बेटे की बिलाल की। तो समाइका जो है वो 10 साल की है और मिनसा जो है वो 1.25 साल की है, तकरीबन साल की ही 1.25 साल की ही समझ लेने नहीं होने वाली है। तो उसकी बॉटल भीगी हुई है, वॉश करके इसके स्टरलाइजर में हम लगाएंगे। और देखें किचन सारा हमारा कैसा बिल्कुल हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा खामोशी 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 खामोशी। और कुछ तो रमज़ान की वजह से इस तरह, तो बच्चे इधर टीवी देख रहे हैं, तो हम अब जोहर की नमाज़ पढ़ के तो आहिस्ता आहिस्ता फिर खाना बनाएंगे और साथ कुरान पाक शरीफ अपना पढ़ेंगे जो है स्टार्ट किया हुआ। और हल्के फुल्के घर के काम भी चलते हैं, मैं मशीन का भी करती हूँ, ज़ैनब अपनी वीडियो का करती है, मेकअप का साथ थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा नहीं करते क्योंकि थोड़ी रेस्ट भी चाहिए होती है। दोपहर को थोड़ा लेटते भी हैं, आराम भी करते हैं। और ये देख ले सारी वक्त ही हम सारा अपना क्लीन कर लेते हैं, आपको पता ही होगा ये घर में। तो यह है हमारी आज की, आज का 2 बजे के बाद मगरिब तक का व्लॉग आप लोगों के साथ जो हम शेयर करेंगे अपनी रूटीन। तो चले फिर अपनी हंडिया रखते हैं और कुरान पाक पढ़ती हूँ हंडिया रख के, ज़ैनब बेबी को सुला के आती है। तो इसमें जाएगा तो कुछ भी नहीं, सिर्फ टमाटर जाने हैं और कुछ नहीं जाना। थोड़ा सा देसी घी डालूँगी और आज इरादा है थोड़े पकौड़े बनाएंगे और फ्रूट चाट तो होती ही है, दूध होगा रूफ़ा वाला, सादा पानी होगा और वो होंगे बारबेक्यू हमारे हैं वो रोल हमने बनाए थे। हाँ जी, तो जो बारबेक्यू रोल बनाए थे ना हमने, उसकी हमने रेसिपी नहीं दी लेकिन वो बहुत अच्छे बने हैं। रमज़ान शरीफ के बाद इंशाल्लाह ताला हम आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे। आज वो वाले फ्राई करेंगे। समोसे हमने बनाए नहीं हैं हमने, मेरी कज़न है तो उन्होंने रात, वो बहुत अच्छे समोसे बनाती हैं, उनके समोसे साथ फ्राई करेंगे। रोल होंगे, कबाब वो पकौड़े होंगे और फ्रूट चाट होगी और बोनलेस चिकन होगा। यही हमारी बहुत सिंपल सा खाना होता है, इतना हैवी नहीं होता। फ्राइडे को मैंने थोड़ा स्पेशल किया था कि क्योंकि मैंने ख़त्म दिलवाना होता है अपनी अम्मी और डैडी का, तो इस फ्राइडे ज़रा हमने थोड़ा सा हैवी किया था, तो मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, ज़ैनब भी थक गई थी। तो चलें फिर मैं हंडिया रखती हूँ, तो आप रहिए मेरे साथ। हाँ जी, पतीली हमने रख ली है और गोश्त हमारा ये मैंने अभी बताया आपको, इसमें जाएंगी हरी मिर्चें और घी थोड़ा सा, जब वो ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो हरी मिर्चों को हाँ थोड़ा सा तड़का के, तो किचन चिकन सॉरी क्या हो गया रोज़े के साथ, चलो किचन ही सही, चिकन डाल देंगे और हल्का सा भुनेंगे। और इधर ये देखिए आ जाए फिर इधर, जनाब इधर आ बेटा, ये है बेबी स्पिनिश, हमारे इधर होती है अजरा की, जो यूपी में रहने वाले हैं उनको तो पता होगा, हम यही इस्तेमाल करते हैं बेबी स्पिनिश पकौड़ों के लिए। और वैसे भी हमने बनानी हो तो यही है, कभी कभी दिल करे तो देसी पालक ले लेते हैं साग वगैरह के लिए, वैसे के लिए। तो ये वाली हमारी देसी हरी मिर्चें हैं, इसमें से कुछ जाएंगी चिकन में और कुछ जाएंगी पकौड़ों में। पकौड़ों में ये वाला प्याज और इतने आलू और थोड़ा सा बेसन और बाकी अदर मसाले। तो चले इनको करते हैं मिक्स और स्टार्ट, और साथ साथ आपको दिखाते हैं। और ये टमाटर भी निकाले हैं हमने, यहाँ पे 6 टमाटर निकाले और थोड़ा सा बस ऑयल डालेंगे इसमें, और टमाटर चिकन में तो सिर्फ नमक जाता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। तो आप कटिंग वगैरह करते हैं और रखते हैं सालन। ये देखिए चिकन थोड़ा सा फ्राई हो गया, तो अब साथ ही हरी मिर्ची जो काटी है थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहे हम लोग, इतनी सी डालेंगे। तो ये साथ ही इसको डाल देते हैं चिकन के, तो ये भी साथ साथ फ्राई हो जाएगा। थोड़ा जैसे ही ये होता है तो वैसे फ्राई, तो हम टमाटर डाल देंगे फिर, और नमक भी इसी स्टेज पे डालना है। हाँ जी, तो देखें व्यूअर्स, फ्रूट चाट बनाने के लिए हमने सिर्फ 2 एप्पल लेने हैं और 1 पेयर लेनी है। ये देखिए मैंने इतना सा फूल लिया और ये बनाने अभी 2 हैं, बाकी फ्रिज में पड़े हैं क्योंकि हमारे यूके में वेदर थोड़ा चेंज हो गया, तो बनाने ये देखिए कल ताज़े थे और आज ये कैसे ब्राउन से हो गए, कल कच्चे कच्चे थे, गर्मी शुरू हो गई। ये देखिए एक बनाना मैं और डालूँगी क्योंकि ज़ैनब मैं और ज़ैनब के मामू
मेरे मियाँ शहजादी हैं, हम तीन लोग ही हैं घर में, बिलाल और हनान तो अपनी जॉब पे हैं। तो इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम ज़रा ज़्यादा बना लेते हैं। हम यूँ करते हैं कि हमारी स्टेट में 6 घर हैं पाकिस्तानी पीपल मुसलमान, तो हम बारी बारी सबके घर ऐसे सर्कल चलता है, अफ्तारी देते रहते हैं डेली ना, एक घर से शुरू होकर दूसरे घर तक डेली जो भी हम बनाते हैं ना। तो आज हमारे 2 घर रह गए, आज उनको देनी है और कल को दूसरों को देनी है, तो फिर पूरा वीक हमारा इस तरह ही चलता रहता है। तो चले फिर, क्योंकि बताने का मकसद ये होता है मेरा हर बात कि हमारे जो बहन भाई हैं, अल्लाह का बड़ा फजल होता है, सब अपने घर में बड़ा अच्छा अच्छा खाते हैं, लेकिन मिल बांट के खाएं तो अल्लाह पाक भी खुश होते हैं और अपना दिल भी एक तस्कीन होते हैं। तो हमने सोचा चले हम आपके साथ ये थोड़ी सी अपनी, ये मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ और ये पालक निकाली है मैंने, इसमें आलू और प्याज जाएंगे, ये जो ज़ैनब काट रही है देखिए, देख रहे हैं आप इस तरह से, हम 3 आलू थे छोटे छोटे और ये बस ये 1.5 प्याज है और इतना पालक है। हाँ जी, और 2-3 हरी मिर्चें डालेंगे बस, क्योंकि हमारे मिर्चें नहीं ज़्यादा खाई जाती, सूखा धनिया और काली मिर्च और जीरे का इस्तेमाल हमारे घर में ज़्यादा है, तो गर्म मसाला हम अवॉइड ही करते हैं। तो देखें जी, ये हमने फ्रूट तकरीबन काट लिया सारा, इसमें स्ट्रॉबेरी है, ग्रीन ऑरेंज है और ये वाले जो हैं ग्रीन ऑरेंज है, ओह माय गॉड, ऐसे ही जाने दो, हमने अब काटना नहीं है, ग्रीन ऑरेंज ग्रीन ग्रेप्स हैं और ब्लैक ग्रेप्स हैं और ब्लैक ग्रेप्स हैं, मेरे साथ ऐसे ही होता है भाई, जब रोज़ा हूँ तो फिर मेरे साथ ऐसे ही होता है। तो फ्रूट तकरीबन हमने सारा काट लिया है और ये खजूरें देखें, अजवा खजूर है ये, तो ये हम खजूरें भी डालते हैं, थोड़े से बादाम भी डालते होते हैं और रेजन्स भी डालते हैं जिसको सौगी कहते हैं हम, और वो सारा कुछ ड्राई फ्रूट भी ज़रा बहाने से खाया जाता है तो ज़रा अच्छी लगती है, क्योंकि चाट मसाला तो हम डालते नहीं हैं, हमारे गले बड़े सेंसिटिव है। काली मिर्च और हल्का सा नमक डालेंगे और इन्जॉय करेंगे। चले, मैंने कहा ये थोड़ा सा दिखा दूंगा आपको। एक बात और करनी थी आपसे, वो जो मैंने दही भल्ले की रेसिपी रात को मैंने रिकॉर्ड की थी 11 बजे, अल्लाह ही जाने, वो बड़ा फनी था, उसमें भी मैंने 11 बजे पता नहीं क्या क्या बोल दिया, लेकिन वो बहुत हमारे साथ सैड हुआ, हमारी वो वीडियो गुम हो गई, इतनी मेहनत से हमने दही भल्ले बनाए और उसकी रिकॉर्डिंग की, स्पेशल रमजान के लिए दही भल्ले बनाए थे, रमजान के लिए बनाए थे, अच्छी रेसिपी फूफो की दही भल्लों वाली, इतनी मजे के माशाल्लाह से वो बने थे, तो हमसे गुम हो गई, हमसे गुम हो गई है, तो दुआ कीजिएगा हमारी वो वीडियो हमें मिल जाए, अल्लाह ही जाने कहाँ चली गई, बस रिव्यू है जहाँ ज़ैनब दे रही है, अगर आप कहेंगे तो वो रिव्यू हम थोड़ा सा इसी के साथ डाल देंगे। दही भल्लों का शक्ल तो बड़ी प्यारी है और तरीका बड़ा सिंपल और ईजी था, ठीक है दिन रमजान के बाद इंशाल्लाह। हाँ, वो हमारी इतनी मेहनत हुई थी सच्ची भाई, तो उसमें भी मैंने बड़ी फनी बातें की है, रात को 11 बजे जब बंदा रिकॉर्डिंग करे तो फिर यही होता है ना, रात को दालें भिगोई थी दही बड़ों के लिए, तो वो मैंने, अच्छा ये देख लें कि पकौड़ों का मसाला सारा काट के रेडी कर लिया, आलू प्याज हरी मिर्चें और पालक और टमाटर चिकन भी बस रेडी होने वाला है, टमाटर मैंने डाल दिए थे, तो टमाटर और चिकन जो है इकट्ठा भुन रहा है, जैसे भुन जाएगा तो हमारा टमाटर चिकन भी रेडी हो जाएगा, फ्रूट चाट भी रेडी है, बस फिर हमारा जो है ये देखिए फूटर डालिए, बस इसको मिक्स करना है काली मिर्च और थोड़ी सी चीनी डाल के, बस फिर इसके बाद हमारा सिर्फ फ्राइंग का काम रह जाएगा। हाँ जी, और समोसे और रोल फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हम फ्राई खाते भी नहीं हैं। चले फिर, थोड़ा सा हो ही जाता है ना। हाँ जी, तो देखें सूखा धनिया मैंने डाल दी है, थोड़ी सी हम हल्दी भी डालते होते हैं पकौड़ों में, ज़रा कलर नाइस आता है क्योंकि हम मिर्चें तो इतनी खाते नहीं हैं, और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के, ज़्यादा नहीं, और अब जाएगा। तो देखिए व्यूअर्स, मैं एक और बात बताना चाह रही थी कि हमारी ये मसालेदानियाँ हैं, स्पाइस बॉक्स कह रही है, मैं तो मसालेदानी कहती हूँ स्टील की, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, मुझे स्टील के बर्तन ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये धोने और साफ़ करने बहुत इजी है, प्लास्टिक की टोकरियाँ वगैरह मुझे शुरू से पसंद नहीं है। तो ये देखें, ये मसालेदानी पहले मेरे पास ये होती थी, बहुत पुरानी है ये, फिर मैंने ये वाली भी ली और एक ये वाली भी ली, इसमें हैं पाउडर वाले मसाले, नमक मिर्च हल्दी और सूखा धनिया पिसा हुआ, ज़ीरा पिसा हुआ और गर्म मसाला पिसा हुआ और देगी मिर्च,
और एक ये है देगी मिर्च और ये है कश्मीरी, ये है कश्मीरी लाल मिर्च और ये है देगी मिर्च, और इसमें है धनिया, खड़ी मिर्चें पिसी हुई, और इस तरह से खड़े मसाले, मेथी, ज़ीरा, ज़ीरा हमने इधर थोड़ा सा डाला है। यह कि इसी तरह हम उठाते हैं और फटाफट से डाल देते हैं। बड़े बड़े डब्बे बार बार खोलो, हाथ गंदे होते हैं और डब्बे भी गंदे होते हैं। इसमें है हमारी कलौंजी और अजवाइन, मेथरे, और ये है पास, ये क्या होता है वो जैनब, ये क्या होता है, कोरिएंडर, कोरिएंडर नहीं है, ओरिगैनो, ओरिगैनो, साबुत मिर्च, और इधर क्या था, तुखम लगा थी वो हमारी सूगी, और ये है हमारा, ये सूंड है शायद, है ना, सूंड है, जिंजर पाउडर है। हाँ, तो इस तरह से हमने डाली हुई है ये, तो हमारे लिए फिर बहुत इजी हो जाता है। मैं आपको दिखा रही थी कि आप भी देख लें, क्योंकि स्टील के बड़े वाले कंटेनर हैं हमारे, इसी तरह के स्टील के बड़े कंटेनर हैं ऊपर से लिड वाले, तो उसमें हमने दो दो किलो वाला पैकेट ला के हम डाल देते हैं, और उधर से हम रिफिल कर लेते हैं 3-4 वीक के बाद, जब हमारा ये ख़त्म हो जाता है। देखें दोस्तों, हम सिर्फ यही मसाले यूज़ करते हैं, खड़े, दालचीनी और तेज़पात और सूखी मेथी भी है, धनिया भी है, पकौड़ों में थोड़ा सा धनिया भी जाएगा और थोड़ी सी टेढ़ा मिर्च जाएगी, बस यही कुछ डालेंगे हम। और पकौड़े हमारे, थोड़ा सा मैं एक प्याली बेसन डालूंगी, बेसन बहुत कम डालती हूँ मैं, और थोड़ा सा आटा भी डालते हैं। और मैंने आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करनी थी, इस तरह से इनकी दो जो मेरी मसालेदानियाँ हैं, ये नए स्टाइल की हैं और ये मेरी बहुत पुरानी है, इसकी लेड जो है ना, इसकी लेड थोड़ी चेंज है, शीशे की लेड नहीं है। तो मैं बता इसलिए रही हूँ कि देखिए, छोटी छोटी डब्बियों में जब हम मसाले डाल के रखते हैं तो वो हमें परेशान करती हैं फिर बहुत ना, बेहतर ये है कि इस तरह से पाउडर मसाले, खड़े मसाले और दूसरे वाले मसाले को हम अलहदा अलहदा से रख लें, जब हम ज़रूरत हो निकालो और डालो और रख दो वापस। हाँ जी, तो देखें ये दो मसालेदानी ऊपर वाली हैं और एक ये मसालेदानी है और ये खुश काटे वाला डिब्बा है और ये है हमारा बेलना। देखिए कितना हमने अपने आप को इतना इजी लाइफ कर लिया है, बहुत सारे छोटे छोटे डिब्बों से जान छूट गई है। ये कोई इतनी महंगी भी नहीं है, 10-10 पाउंड की मैंने ली थी। चलिए देखें, बेसन मेरा बिल्कुल रेडी हो गया, इसको मैंने इतना सा पतला रखा है, बस इतना सा। हाँ जी, तो देखें समोसे और रोल जो है वो डिफ्रोस हो गए, क्योंकि हम इतने किसी ने भी नहीं खाए, मैं और शहजाद और जैनब भी हैं। और ये देखें हमारे नेक्स्ट डोर है फहद की मम्मी खुजीमा, उसने समोसा चाट बना के भेजी, देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत है, और शक्ल ही बड़ी खूबसूरत है, और टेस्ट तो ज़ाहरी बात है होगा ही। थैंक यू वेरी मच खुजीमा। ये देखें मैंने थोड़ा सा गर्म वाटर लिया, थोड़े से गर्म पानी में चीनी और उसको हम मिक्स करेंगे और विस्क के साथ फेंट रहे हैं, मेरे हाथों फेंट रहे हैं। और टमाटर चिकन रेडी हो गया, ये अब तो नहीं खाया जाएगा, किसी ने खानी हो तो रोटी के साथ खा लेंगे, लेकिन शहरी में खाया जाएगा। ये फ्रूट चाट हो गई और ये सादा पानी हो गया, अब ये अब मिक्स हो जाएगा तो इसमें हम दूध डाल देंगे। दिल तो नहीं कर रहा आज के दूध और रूह अफ़ज़ा पिया जाए, क्योंकि पकौड़े और समोसे हैं, उसके बाद दूध ठीक नहीं रहता होता। तो चले फिर देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि मैं और शहजाद और ज़ैनब है, हमारा वेदर तो इधर ठंडा ही है, हम बहुत ज़्यादा ठंडा ड्रिंक और शेक्स वगैरह नहीं पीते, बिलाल और हनान पी लेते हैं, लेकिन हम लोगों को सूट नहीं करते क्योंकि वेदर तो बहुत ठंडा है ना इधर अभी भी। तो चले आए फिर, ये देखिए पहले मैंने बाहर रखने लगी थी अपनी ये वाली कढ़ाई, इलेक्ट्रिक कढ़ाई, ये हमने ख़ास पकौड़ों के लिए ली है कि आउटसाइड बैठ के हम इसके पकौड़े बनाते हैं। और ये देखिए मैं इधर बैठ के बनाने लगी थी पकौड़े, क्योंकि हमारे बिल्ड वर्क हो रहा है थोड़ा, तो इसलिए ये देख लें आप, बहुत मैस हुआ हुआ है, तो बाहर मुझे सर्दी भी लग रही थी कुछ, वेदर देखें सूरज तकरीबन डूबने वाला है, तो सामने हमारे थोड़ा सा काम हो रहा है गार्डन में, हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रूम बन रहे हैं और पेंट वगैरह भी, देखिए ये पड़ा है सारा, हमारा घर बहुत मैस हुआ हुआ है। इंशाल्लाह ताला ईद पे हम आपको रिव्यू देंगे। तो बाहर मुझे ठंड लगने लग गई, तो मैंने कहा चले अंदर ही कर लेते हैं। फिर हमने ये पकौड़ों और समोसों के लिए फ्राइंग के लिए बाहर रखी थी, क्योंकि हमारा अभी बाहर डर्टी किचन हमारा अभी रेडी नहीं हुआ, वो हमारा जूँ ही रेडी होगा इंशाल्लाह ताला, तो हो सकता है हम ईद पे कुछ बाहर करें, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चले फिर फ्राई करते हैं समोसे, अंदर चलते हैं।
तो ये देखें इसका सिस्टम है हाई, मीडियम और लो। हाई पे करके इसको मैं गर्म कर लूँगी और फिर इसमें पकौड़े और समोसे डाल के फ्राई कर लेंगे, क्योंकि टाइम अब थोड़ा सा रह गया। ये देखें 8:35 पे हमारा इधर खुलेगा रोज़ा, और टेबल हमारी सेट है। सिंपल सी है, इतना ज़्यादा हमने तरद नहीं किया, जो हम रेगुलर बर्तन यूज़ करते हैं वही हैं आज, क्योंकि थक बहुत हो गया, एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रही, मैं तो बहुत डाउन हो गई हूँ। 10 रोज़े रख के मेरी तो बस हो गई है, पता नहीं क्या वजह है, शायद घर में काम हो रहा है, पेंट वेंट चल रहा है, इस वजह से थकान हो जाती है। खुद ही मैं और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, क्योंकि छुट्टियाँ हैं तो घरों में हैं सारे, तो यहाँ पे पाकिस्तान वाला सिस्टम तो नहीं है, यहाँ पे सारे काम हम लोगों को खुद करने पड़ते हैं। तो बाहर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एक बेडरूम और एक साथ एक और रूम बना रहे हैं, और डर्टी किचन थोड़ा सा बाहर बना रहे हैं। गार्डन को थोड़ा सा हमने रेनोवेट करना था, वो हमारा डिले होता जा रहा था, तो इस साल हमने कहा कि ये काम डन कर लें इंशाल्लाह ताला। पहले तो कोरोना की वजह से सब बिल्डर्स वगैरह और कंपनीज बंद थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, तो अब हमने शुरू कर लिया है। तो चलिए फिर मैं फ्राई करके ये, तो फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए पकौड़े मैंने डाल दिए, मेरा एक ही हाथ था तो वीडियो नहीं बना सकी डालती पकौड़े, तो आप देखते ये देखिए कुछ इस तरह से शेप होगी इनकी। थोड़ा बेसन हो, सब्जियाँ ज़्यादा हों, सब्जियों से मुराद आलू और प्याज जी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई और छींकें आने लग गई, वेदर हमारा यूपी का बस ऐसा ही है। कल हमारा 18 टेम्परेचर था और आज भी ठंड हो गई है, एक वीक सर्दी एक वीक गर्मी, बस ये बीमार करने वाला वेदर है, क्योंकि समर आ रहा है। तो और देखिए फिर तो अभी हम मैं और माइका देख के आए नेक्स्ट डोर दो घरों में इफ्तारी, तो वहाँ से एक घर से हमें वापस मिली है इफ्तारी, पुलाव बनाया था, एक है हमारी निबरजन। तो देखिए यहाँ पे भी वही पाकिस्तानी हमारा माहौल बना हुआ है, हम जो 5-6 घर हैं यहाँ पे स्टेट में एक दूसरे के साथ, बिल्कुल वही जैसे पाकिस्तान में होता था ना, किसी घर इफ्तारी देने जाओ तो आगे से वो भी अपनी प्लेट में अपनी इफ्तारी दे देते थे, सेम वही वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे भी। तो